बात करेंगे कि क्यों कुछ लोग सफल होते हैं और क्यों कुछ लोग असफल होते हैं, उनके बारे में कि हमारा थॉट प्रोसेस कैसे काम करता है, जिसकी वजह से हमारे एक्शंस में डिफरेंट पाया जाता है, उसी वजह से हम लोगों को सफलता मिलती है या नहीं मिलती। सबसे पहले मैं बात करूंगा, देखो जैसा सा हमारा बिलीव सिस्टम होगा वैसे से हमारे थॉट यानी कि विचार होंगे, जैसे से हमारे विचार होंगे वैसे से हमारे इमोशंस होंगे, और जैसे से हमारे इमोशंस होंगे वैसे से हम एक्शन लेंगे, और जैसे से हम एक्शन लेते हैं वैसे हमारे रिजल्ट प्रोड्यूस होते हैं। तो ये एक सर्कल की तरह काम करता है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि हम हमेशा अपने एक्शन पे काम करते हैं, लेकिन ये सब जो पीछे वाला हिस्सा है ये ऑटो पायलट पे काम करता है। तो इसलिए मैं बताना चाहूंगा कि ये एक पर्टिकुलर मेथड है जिसके थ्रू इंसान का माइंड काम करता है। अभी बिलीव सिस्टम कैसे बनता है? ये बिलीव सिस्टम बनता है हमारी पास्ट की मेमोरी से। अभी पास्ट की मेमोरी कहाँ से आती है? पास्ट की मेमोरी आती है जो हमने फाइव सेंसेस के थ्रू, नाक, कान, आईज, ईयर्स और टंग के थ्रू जो हमने पास्ट में एक्सपीरियंस किए रहते हैं वो हमारी मेमोरीज बन जाते हैं, पास्ट की मेमोरी बनते हैं। वो मेमोरीज में हमने क्या सीखा बचपन में, हम किस एरिया में रहते हैं, आपने गौर किया होगा कि जो एक जैसे एरिया के लोग होते हैं उनका एक जैसा बोलना चालना और रहना सहना, जो एक तरह के रीति रिवाज फॉलो करते हैं, तो वो सब क्या होता है कि हमने मेमोरी, पास्ट मेमोरी बनती है, और मेमोरी के बाद हम लोगों के बिलीव सिस्टम में वो डीपली घर कर जाती हैं वो चीज़ें। इसीलिए हम लोग एक सा हमारा थॉट प्रोसेस होता है, एक सा हम इमोशंस जनरेट करते हैं और एक से एक्शन लेते हैं, तो एक जैसे ही हमारे रिजल्ट होते हैं। तो अभी मैं बात ये करना चाहूंगा कि अगर हमें अपने रिजल्ट पे कुछ अलग करना है तो हमें अपने बिलीव सिस्टम को चेंज करना होगा। बिलीव सिस्टम को चेंज कैसे कर सकते हैं? हम अपनी पास्ट की मेमोरी को तो हम अपनी चेंज कर नहीं सकते, हाँ लेकिन इसको रिप्लेस जरूर कर सकते हैं और इसमें कुछ और न्यू जरूर ऐड कर सकते हैं। जो पास्ट की मेमोरी होती है वो हमारे सब कॉन्शियस माइंड में होती है, जो कि मैंने अपने पिछली पिछली वीडियो में भी बात किया था कि हमारा सब कॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है। तो जो चीज़ें हमारी पास्ट की मेमोरी जो हमारी सब कॉन्शियस माइंड में पड़ी हुई है तो उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं लेकिन मिटा नहीं सकते। तो इसीलिए हम लोगों को जो बोला जाता है कि हमें बुक पढ़ना चाहिए या फिर मोटिवेशनल वीडियोस देखनी चाहिए, अच्छा सुनना चाहिए, जो गांधी जी ने बोला विद ड्यू रिस्पेक्ट, मुझे मैं बहुत अच्छे से ये चीज़ फॉलो करता हूँ कि गांधी जी बोलते थे कि अच्छा बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। लेकिन मैं इसमें कुछ और ऐड करना चाहूँगा विद ड्यू रिस्पेक्ट गांधी जी, क्योंकि और ऐड कर ये करना चाहता हूँ कि अच्छा सुनो, अच्छा देखो और अच्छा बोलो। तो उसमें बस यही मैं ऐड करना चाहता हूँ। तो हम अभी क्या करेंगे कि अपने सब कॉन्शियस माइंड के लेवल पे हम लोग अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करना चाहेंगे, करना चाहिए हम लोगों को, सो दैट कि हमारे जब मेमोरीज हमारी चेंज होगी तो हमारे बिलीव सिस्टम बदलेंगे। जितना हम लोगों को ज़्यादा नॉलेज होगा, अच्छे अच्छे लोगों की बायोग्राफी पढ़ो, क्योंकि पढ़ने से क्या होता है कि हमें उनकी थॉट प्रोसेस के बारे में नॉलेज मिलता है, तो वो थॉट प्रोसेस हमारे बिलीव सिस्टम में धीरे धीरे जाता है, और बिलीव सिस्टम जैसे हमारे बिलीव सिस्टम चेंज होंगे हमारे जो थॉट्स हैं विचार हैं वैसे से आएंगे, और जैसे से विचार वैसे इमोशन वैसे एक्शन, जैसा हम एक्शन लेंगे वैसा सा ही हमारे रिजल्ट होंगे। तो ये था सबसे सही मेथड, अगर हम इस लेवल पे काम कर लेते हैं तो हमें सफलता मिलनी ही मिलनी है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।